समर स्टार्ट हो गया है और सबको कुछ ना कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन होता है। मैं आज आपके साथ बंगाल का एक रेसिपी शेयर करूंगी, भापा दही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही कम टाइम पे तीन सामग्री लेके जो हमेशा हमारा घर में अवेलेबल रहता है उसमें बनाएंगे एक स्वीट डिश जो आइसक्रीम जैसा मुँह में पिघल जाएगा। सब ट्रिक शेयर कर रही हूँ भापा दही बनाने के लिए, वीडियो को पूरा देखिए। सोच रही हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पहले ये डिश बनाने के लिए मैं ली हूँ दही, दूध, शक्कर। दही बिल्कुल खट्टा होना नहीं चाहिए। पहले दही को एक कपड़ा में डाल के इसका पानी निचोड़ लेंगे। ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि दही में अगर पानी रहेगा तो ये रेसिपी ठीक से नहीं बनेगा। तो दही को अच्छी तरह निचोड़ लेंगे, फिर इसको हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा। गैस ऑन करके एक कढ़ाई में 4 चम्मच शक्कर लेंगे। भापा दही को हम कारमलाइज करने के लिए थोड़ा सा पानी देंगे। फिर फ्लेम को हाई करके हम लोग इसको कंटिन्यूसली मिक्स करते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा और पूरा रेसिपी खराब हो जाएगा। फिर धीरे धीरे इसका कलर चेंज होगा। अभी गैस को लो करके फिर देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। फिर उसमें हम लोग मिल्क डालते रहेंगे। इसका मेजरमेंट है 500 ग्राम दही, 500 ग्राम मिल्क, 200 ग्राम शक्कर। फिर उसमें जो शक्कर रह गया होगा उसको डालेंगे। शक्कर आप लोग आपके हिसाब से लीजिए। अभी देखिए मिल्क गाढ़ा होके कितना अच्छा कलर में हो गया। तो हमारा मिल्क मेड रेडी हो गया। फिर इसको ठंडा करने के लिए रख लेंगे। दही में से जो पानी निकला है वो पानी को हम लोग आटा गूंदने के टाइम में भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो दाल बनाने के टाइम में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो दही को कपड़ा में पानी निचोड़ने के लिए रखे थे उसको खोल के एक बाउल में रखेंगे। फिर इसको स्पून में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डालेंगे। दही तब तक मिक्स करेंगे जब तक इसका एक अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा। फिर उसमें मिलाएंगे हमारा होममेड मिल्क मेड। देखिए इसका कलर कितना अच्छा है। एक कंटेनर में घी लगा देंगे, फिर उसमें ये दही को डाल देंगे। अभी हम लोग इसको अच्छी तरह कवर करके स्टीम देंगे। अभी स्टीम देने के लिए गैस में एक कढ़ाई रखी हूँ। कढ़ाई में एक स्टैंड भी रखी हूँ। पानी को पहले अच्छे से गर्म होने के लिए देंगे, फिर स्टैंड के ऊपर कंटेनर को रख के अच्छे से कवर कर देंगे। फिर इसको मीडियम फ्लेम में 25 से 30 मिनट रखेंगे। बीच में एक बार खोल के देखेंगे अच्छे से सेट हुआ है कि नहीं। फिर 25 मिनट के बाद गैस ऑफ कर देंगे। फिर एक स्पून या नाइफ इंसर्ट करके देखेंगे ये हुआ कि नहीं। फिर इसको नॉर्मल टेम्परेचर में बाहर में ठंडा करने के लिए रख देंगे। फिर इसको कवर करके 1 घंटा के लिए फ्रीज में सेट कर लेंगे। इसको फ्रीजर में नहीं रखेंगे, इसको नॉर्मल टेम्परेचर में फ्रीज में रखेंगे। 1 घंटा के बाद ये फ्रीज में अच्छी तरह सेट हो जाएगा। फिर इसको हम लोग फ्रीज से निकाल लाएंगे और चाकू से पीस पीस करके काट के इसको प्लेट में दे देंगे। थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए उसमें ड्राई फ्रूट और चेरी से डेकोरेट करेंगे। इसको फ्रीज में नॉर्मल टेम्परेचर में हमेशा रखेंगे, इसको बिल्कुल बाहर नहीं रखेंगे क्योंकि ये दही से बनाया गया है, नहीं तो पानी होके पिघल जाएगा। इसको आप लोग फ्रीज में रखो और ठंडा ठंडा खाओ, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलो दोस्तों, हमारा भापा दही रेडी हो गया। आप भी खाइए और सबको खिलाइए। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे आपके साथ ऐसा ही टेस्टी रेसिपी शेयर कर सकूं।